प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश के योगी और केंद्र की मोदी सरकार विकास को लेकर भले ही कितने दावे कर ले, लेकिन इन दावों की जमीनी हकीकत आप जानेंगे तो सर पकड़ लेंगे। पिछले करीब 5 सालों में सूबे की सरकार ने जितना काम किया और जनता को उस काम से जितना फायदा हुआ, उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि सरकार की फाइलों में दिखने वाला विकास हमेशा सच नहीं होता। तो चलिए आपको छोड़ जाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के साथ। सूबा यूपी, जिला शाहजहांपुर, विकास खंड कलान की ग्राम पंचायत बमहौरा में पिछले 10 सालों से विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। गरीबों के सिर पर छत के नाम पर सिर्फ खुला आसमान। जब सरकार की तरफ से कोई मदद की किरण दिखाई नहीं दी तो इस गरीब परिवार ने मिट्टी का घर बना लिया और उसी में रहने को मजबूर हैं। आलीशान महलों में रहने वाले और एसी कमरों में बैठकर गरीबों के नाम पर अपनी सियासत चमकाने वाले देखें इन्हीं गरीबों का वोट लेकर सत्ता की मलाई खाने वाले मंत्री, विधायक और सांसद। ये आपके राज्य की जनता है जिसको रहने के लिए पक्की छत तक नसीब नहीं हो रही है। आपको याद दिलाने के लिए बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हकदार वो लोग होते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन गुजारते हैं, लेकिन जब सिस्टम भ्रष्ट हो जाता है तो गरीबों के हक पर सरकारी दफ्तरों में बैठे डकैत डाका डालने लगते हैं। कुछ ऐसे ही बमहौरा गांव के गरीबों के साथ हुआ और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र होते हुए भी उनको आज तक आवास नहीं मिला, क्योंकि ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की मिली भगत से इनके नाम लिस्ट से बाहर कर दिए गए। आवास पाने के लिए इन गरीबों ने अफसरों के दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते चप्पलें घिस डाली, लेकिन छत नसीब नहीं हुई। वहीं जब इस मामले पर ग्रामीणों और गांव के पूर्व प्रधान से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मिलो ना प्रधान से कहते हैं जाकर तुम्हारो कौन सूची में ना होना आवाज लाइन करवाई जा कर हम बूढ़े हुए हैं फुकन लाए हमें कोई कौन कैसे लावे ना मंत्री साहब। अच्छा, आपने ऑनलाइन करवाया है? ऑनलाइन करवाई कलाम जा दिला को। वैसे कैसे रह पाते हो इनमें बारिश के मौसम में? बारिश में पानी बरसत है, ये ऐसे ही बैठेगा साहब आगे का करें, पन्नी नहीं छान लेते हैं। वैसे क्या करते हैं आप? हम साहब मजदूरी करते हैं। लेकिन लाभ आवास सूची में है, लेकिन जो है वो विकास खंड कार्यालय से नाम इनके रिजेक्ट कर दिए गए वर्तमान प्रधान द्वारा काट काट करके। अभी ये जो पहले 2011 की सूची थी वो समाप्त हो गई, उसके बाद जो अवशेष सूची है उसमें नाम चल रहा है जिनके है उन्हीं को आवास मिल रहा है। 14 करीब बच चुके पात्र है। ग्राम विकास अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट लगाई है कि सभी लाभार्थी पात्र है, इनको आवास की सुविधा मिलनी चाहिए और उसकी कार्रवाई भी चल रही है, अभी कुछ हुआ नहीं है जी। जब ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्ट सिस्टम का मकड़जाल फैला हो तो गरीब और आम जनता इस मकड़जाल में फंसकर तड़पती रहती है और उसकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं होता। ये तो सिर्फ एक गांव की तस्वीरें हैं जो विकास के दावों पर पानी फेर रही हैं। बाकी ऐसे ना जाने कितने गांव और गांव के रहने वाले गरीब लोग हैं जिसे पक्की छत, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं तक पूरी जिंदगी नसीब नहीं होती है। शाहजहांपुर से प्राइम टीवी के लिए आयेंद्र पाल सिंह की रिपोर्ट।